हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अब ठीक हूँ। अभी 2-3 दिन थोड़ा मैं डिस्टर्ब थी क्योंकि मेरे पास एक सैड न्यूज़ आई थी और उसे सुनकर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रही थी। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा, क्या कहें, एक शॉक टाइप का लगा था। एक्चुअली मैं उत्कर्ष के जो डॉक्टर दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि आप सबको जानते ही हैं आप लोग कि मैं हमेशा उनका जिक्र करती हूँ। हमारे फैमिली डॉक्टर थे और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते थे, बहुत अच्छी सलाह देते थे। और दीपावली के 2-3 दिन बाद वो हमसे मिलने भी आए थे। खुद वो बहुत ज़्यादा वीक थे क्योंकि उन्होंने शायद सेकेंड डोज लगवाया था जो उन्हें रिएक्ट कर गया था, तो बोल रहे थे कि वो उनको सूट नहीं किया, लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। उत्कर्ष से प्रॉमिस किया कि दांतों के लिए इनके लिए कुछ वो दवाई देंगे। मेरे बालों के लिए मुझे प्रॉमिस किया था, मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। जो जून में मुझे फीवर आया था उसके बाद इतने इतने बाल मेरे निकलते हैं। और मैंने जब उन्हें बताया था कि मैं भृंगराज ऑयल लगा रही हूँ, इंदुलेखा मैं ट्राई कर रही हूँ या कुछ ऐसा मैंने पूछा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। बोले कि आपको टाइफाइड रहा है तो ये आपको नुकसान कर जाएगा, तो आप रुको, मैं आपकी बॉडी के हिसाब से जो भी आपकी तासीर उस हिसाब से कोई ऑयल आपको बनाकर दूंगा। लेकिन सडनली खबर आई कि उनका जो है हार्ट प्रॉब्लम उनको कुछ हुई और इतना टाइम भी नहीं हुआ कि उनको हॉस्पिटल ले जा पाए या कुछ कर पाए, वो चले गए। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ थी। इस वजह से 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मन विचलित था कि अभी तक तो मैं निश्चिंत रहती थी कि कोई भी बीमारी फैले वो सबसे पहले जो है उत्कर्ष का ख्याल रखते हैं, कोई ना कोई हम लोग को प्रिकॉशन बताते हैं, मेरे लिए बताते हैं कि बेटा ये मत करना, ये मत करना। काफ़ी बुजुर्ग थे वो, लेकिन चलो अब वैसे डॉक्टर का मिलना तो मुश्किल है, लेकिन देखते हैं किस्मत में अगर होगा तो ज़रूर कोई ना कोई अच्छे डॉक्टर हमें फिर से मिल जाएंगे, कोई वैद्य अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसी तरह का हम लोग का रूटीन है। हालांकि आज तो बहुत ही प्यारा सा दिन है और उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उत्कर्ष बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई पर ध्यान दें और उसके लिए ब्रेन का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उत्कर्ष के साथ एक फ़नी गेम खेलने वाली हूँ और उसमें मैं टेस्ट लूँगी कि उत्कर्ष जो है कितने एक्टिव हैं। गेम के रूल ये हैं कि मैं फटाफट फटाफट एक नाम लेके कुछ एक्टिविटी बोलूंगी और उत्कर्ष को वो तुरंत के तुरंत करना है, और जब मैं बिना नाम लिए एक्टिविटी बोलूंगी तो उत्कर्ष को वो नहीं करना है। अगर उत्कर्ष कर देते हैं तो आउट हो जाएंगे और 10 मिनट हम इस गेम को खेलेंगे और मैं ये देखना चाहती हूँ कि उत्कर्ष 10 मिनट में कितनी बार आउट होते हैं, कितना ये गेन कर पाते हैं, यही इनका टेस्ट है। मम्मा बोलेगी आपको सीमा, ओके, सीमा वर्ड आप याद रखो, सीमा नाम मम्मा लेगी, तो सीमा से जंप तो आपको तुरंत जंप करना है, सीमा से टर्न अराउंड तो आपको तुरंत टर्न करना है, सीमा से क्लैप योर हैंड तो फटाफट क्लैप करना है, और अगर मम्मा केवल बोले सिट डाउन तो आपको नहीं करना है। ओके, रेडी, चलो 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। सीमा से जंप, एक बार नहीं लगातार करो, सीमा से जंप, लगातार जंपिंग करते रहो, सीमा से टर्न अराउंड, गुड, सीमा से क्लैप योर हैंड, सीमा से टच योर नोज, नोज हैंड, सीमा से पुल योर चीक्स, सिट डाउन, ओके, सीमा से टच योर हेड, सीमा से जंप, Seema says, grab your hand. Seema says, turn around. Seema says, touch your ear. Seema says, pull your cheeks. Touch your head. Oh, very good. Bilkul aap thing mein chalo, fir se next, fir se. Seema says, kick. Seema says, just let's boxing. Ye boxing hai. Good. Seema says, pull your cheeks. Seema says, touch your chin. Seema says, touch your stomach. Touch your wrist. Oh, very good. So, एक मजेदार बात यह है कि उत्कर्ष अपनी सभी बातें मम्मा से शेयर करते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये सीमा कौन है जिसके इशारों पे उत्कर्ष अभी उछल रहे थे, नाच रहे थे। कौन है सीमा? माँ को क्यों नहीं बताया है? हाँ, सीमा कौन है कि सीमा का नाम लेते तुम उछल रहे थे? सो गेम खेलने में बहुत मज़ा आया और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ घर में इस तरह के छोटे मोटे माइंड एक्टिविटी ज़रूर खेला कीजिए। दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आया, आज पहली बार था, आगे हो सकता है हम दोनों की ये प्रैक्टिस हो जाए। और अब मैं चलती हूँ, मेथी के पराठे बनाने हैं तो उसके लिए जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ और ये रेसिपी मैं इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। मैं थोड़ा सा कुछ कुछ मसाले वगैरह ऐड करती हूँ, कुछ चटनी बनाती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, आटे में मैं थोड़ा सा सूजी मिला ले रही हूँ और इसमें मैं अजवाइन डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। दोस्तों, खूब बारीक कटी हुई मेरी मेथी है और उसे मैं इसमें डालकर आटा गूंथ लूँगी। मैं इसमें बिल्कुल भी मोइन नहीं डाल रही हूँ, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा नरम पराठे बनेंगे। और मैंने लहसुन अदरक मिर्च की जो चटनी बनाई हुई है वो पूरी एक बड़ा चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही चटपटा और टेस्टी स्वाद आता है दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ही मुलायम सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें आप तिल की चटनी के साथ, सब्जी के साथ, दाल के साथ या सॉस वगैरह जिसके साथ आपका मन करे आप उसके साथ खा सकते हैं।
दोस्तों इसी तरह का शॉर्ट एंड स्वीट हम लोगों का डिनर हो गया है और अब तो सोने का टाइम हो गया है। तो आप लोगों से इस व्लॉग में मैं यहीं पर विदा ले रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नया, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें या कुछ आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो बनाएं। अब कोशिश कितनी कामयाब होती है वो आप लोगों के कमेंट से ही हमें पता चलता है। आप लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा, ठंड के मौसम में खूब ध्यान रखिएगा दोस्तों, और बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।